राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज, अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और, ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, अपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। तेवर भाभी में चल रहा था प्रेम प्रसंग, हुआ मामी का मर्डर, दो लोग हुए गिरफ्तार। बता दें, फिरोजाबाद जिले के थाना एका के गांव चिमरारी में अवैध संबंधों में हुई हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई। भाभी और रिश्ते में लगने वाले उसके देवर की कहानी ये शुरू हुई। इस प्रेम कहानी में विलेन बनी मृतका मामी को प्रेमी भांजे और प्रेमिका भाभी ने एक साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, जिससे उसका प्रेम प्रसंग आसानी से चलता रहे। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए सोमवार को मृतका के भांजे और उसकी प्रेमिका भाभी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, 16 अप्रैल को फिरोजाबाद जिले के थाना एका के गांव चिमरारी में एक वृद्ध महिला की किसी हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच में वे जुटी, जिसमें मृतका के पुत्र प्रवीण शर्मा ने थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसमें तीन टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना एका पुलिस और सर्विलांस टीम ने घटना में शामिल अभियुक्त प्रभाकर उर्फ बबलू, जो मृतका का भांजा लगता है, उसको और सामने रह रही भाभी प्रेमिका मधु पत्नी राजीव निवासी चिमरारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी को भी बरामद किया। SP ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी प्रभाकर और मधु का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका विरोध मृतका शांति देवी मामी करती थी, जिससे उसको रास्ते से ही हटा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक महिला की मत का के बारे में क्या है? ये थाना एका के अंतर्गत चिमकारी गांव है, जहां पर एक शांति देवी महिला थी, जिनकी उम्र लगभग 75-80 वर्ष था। इनकी गले पे धारदार हथियार से वार करके, जब ये सो रही थी रात में, तो हत्या हो गई थी। सुबह इनकी डेड बॉडी मिली चारपाई पर। सूचना पर पुलिस गई, फील्ड यूनिट गई, डॉग स्क्वाड गया और अन्य अधिकारीगण भी गए वहाँ पर। इसके पीछे जब वहाँ पर मौका मुआयना किया गया तो एक पिलास पड़ा मिला, और डॉग स्क्वाड की हरकतों को, दोनों को जब तालमेल करके बैठाते हुए विवेचना को आगे बढ़ाया गया, तो उसमें फिर ये पता चला कि जो मृतका है उसी का भांजा है बल्लू, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है। इसके सामने ही उसके घर में एक महिला है जो इसकी रिश्ते में भाभी लगती है, उससे इसके नाजायज ताल्लुकात हो गए थे, और दोनों के संबंधों पर महिला आपत्ति करती थी, और उस रात में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। इस पर दोनों ने यह तय किया कि इसको आज ख़त्म कर देते हैं, और एक कुल्हाड़ी वहीं पर थी, उसको लेके वार कर दिया, और इसके पुरुष ने उसी पिलास से तार काट दिया था, जिससे अंधकार वहाँ पर हो जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे अगर शोर हो जाए तो। और इस प्रकार एक अच्छे टीम प्रयास के साथ डॉग स्क्वाड और वहाँ पर जो फील्ड यूनिट के द्वारा पहुँच के निरीक्षण किया गया था, इन सबसे मिले जुले प्रयास से इस घटना का सफल अनावरण हुआ और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल CB मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद, शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं,
विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।